आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। तो इसको पेरिफेरल ब्लड फिल्म भी बोला जाता है, जिसको हम PBF कहते हैं। और इस वीडियो में मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी है कि PBF या पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाते कैसे हैं, उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो इसके लिए हम ब्लड के जो सेल्स होते हैं उसकी काउंटिंग करते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखते हैं और फिर उसकी रिपोर्टिंग देते हैं। उसका पूरा बनाने का जो प्रोसीजर होता है, कैसे बनाते हैं, आइए मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मेयर। अ पेरिफेरल ब्लड स्मेयर इज़ अ सिंपल टेस्ट दैट हैज़ ग्रेट वैल्यू इन असेसमेंट ऑफ हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रोसीजर होता है ये हेमाटोलॉजी के डिसऑर्डर्स को देखने के लिए। इसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो इस तरह से हैं, मैं आपको फोटो के साथ दिखाती हूँ। तो सबसे पहला है ग्लास स्लाइड, क्लीन ग्लास स्लाइड, जिसका मेजरमेंट मैंने मेंशन करा है। इस मेजरमेंट की हो तो वेल एंड गुड, एंड थिकनेस उसकी 1 mm होनी चाहिए। मोस्टली यही होती है ग्लास स्लाइड, एंड इट शुड बी ग्रीस एंड लिंट फ्री। इस पर बिल्कुल कोई ऑयल या ग्रीस चीज़ें नहीं लगी रहनी चाहिए, एंड शुड बी फ्रॉस्टेड एट वन एंड फैसिलिटेटिंग लेबलिंग। लेबल करना है हमें इसके एक एंड पे। यह है एक स्प्रेडर, जिसकी जो एज होना चाहिए वो बहुत स्मूथ होना चाहिए। दिस इज़ टिश्यू पेपर फॉर वाइपिंग पर्पस। एंड एप्लीकेटर, ये हम कैपलरी ट्यूब भी कहते हैं इसको हम। एंड समथिंग लाइक ग्लव्स, जो कि हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है टेस्ट करते टाइम या लैब में वर्क करते टाइम। एंड 1% हाइपोक्लोराइड, ये चीज़ हमें चाहिए डिस्कार्ड करने के लिए। ये इक्विपमेंट्स थे। एंड नाउ द ब्लड सैम्पल, जिसका हमें PBF बनाना है। EDTA के अंदर हम हमारा ब्लड कलेक्ट करेंगे, जो भी सैम्पल होगा वो EDTA वायल के अंदर हम लोग कलेक्ट करके लेंगे। EDTA तो आप सबको पता ही है। मार्किंग के लिए एक लेड पेंसिल की हमें नीड है, जो कि ग्लास स्लाइड के ऊपर जो भी नाम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है। एंड नेक्स्ट द वेरीफाई द पेशेंट आइडेंटिफिकेशन ऑन द सैम्पल। नाउ दिस इज़ द प्रोसीजर। फर्स्टली वाइप द ग्लास लाइट विद द लिंट फ्री क्लॉथ। नाउ मिक्स द सैम्पल वेल बाय 10 जेंटल इन्वर्जन। पहले हमें इसमें एंटीकोगुलेंट जो प्रेजेंट होता है उसमें अच्छे से उसको मिक्स करना है सैम्पल को। फिर एक ड्रॉप डालनी है हमारी स्लाइड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब और कैपिलरी ट्यूब ग्लास लाइट के ऊपर। तो जो ड्रॉप है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो हम स्मीयर बनाएंगे वो बहुत थिन बनती है। That's why. And capillary tube should be discarded into the disposal container. क्योंकि इसमें ब्लड का सैंपल होता है तो हमें इसको डिस्कार्ड करना इंपॉर्टेंट होता है। Now this is with the help of the spreader in front of drop at angle of about 30 to 45 degree to the slide and move it back to make contact with the drop. Firstly put the slide or the spreader slide on the drop and slowly spread in front. Angle 30 to 45 हम इसका रखते हैं, और स्प्रेडर की एज बहुत स्मूथ होना चाहिए, जिससे हमारी जो PBF होती है वो बहुत स्मूथली बनती है। नाउ ड्रॉप शुड स्प्रेड आउट क्विकली अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। हमें जो भी स्प्रेडर है उसके ऊपर बहुत अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एंड नाउ विद लाइक दिस, जो वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, स्प्रेड द ड्रॉप ऑफ ब्लड अलोंग द स्लाइड। इस तरीके से हमें उसको स्प्रेड करनी है और उसको देखना है कि पूरी स्लाइड हमारी बन चुकी है या नहीं। तो ये देखते हुए हमें हमारी पूरी PBF बनानी है। कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, जैसे कि फिल्म शुड बी अलाउड टू ड्राई इन द एयर। हमें फिल्म बनाने के बाद उसको एयर में ड्राई कर फिल्म्स का ड्राई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छे से वो ड्राई हो रही है या नहीं हो रही है, रिजल्ट बहुत इसके ऊपर बेस्ड रहता है। नाउ स्लाइड शुड बी लेबल्ड विद द पेशेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो हमने लेड पेंसिल ली थी उससे हमें नाम लिखना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना है, जो भी सैंपल की आइडेंटिटी होती है वो उसको उस पर मेंशन करनी है। नाउ आफ्टर ड्राइंग द स्मीयर इज फिक्स्ड विद मेथनॉल फॉर 60 seconds। यहाँ हमें सैम्पल को फिक्स करना है, फिक्सेशन करना है विद द हेल्प ऑफ मेथनॉल फॉर 60 seconds। इफ द स्लाइड्स आर टू बी स्टेन विद लीशमान स्टेन इन अ शॉर्ट टाइम, इट नीड नॉट टू बी फिक्स्ड इमीडिएटली।
नाउ यहाँ पर लीशमान स्टेनिंग अगर हम करते हैं तो हमें जो भी हमारा फिक्सेशन है उसकी नीड नहीं रहेगी, बिकॉज इन द लीशमान स्टेन देयर इज़ अ फिक्सेटिव। बट अगर हम कुछ और स्टेन करते हैं तो हमें पहले उसको फिक्स करना पड़ेगा और उसके बाद हम उसको स्टेनिंग का प्रोसीजर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। नाउ लाइक दिस सुपर फ्रोस्ट, ये एक सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ कि कैसी स्लाइड दिखती है बनने के बाद, और उसकी जो लेंथ और विड्थ होती है वो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ किस तरीके से हमने बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। एंड इट शुड स्टार्ट अबाउट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड एंड ऑफ द 1 सेंटीमीटर बिफोर द फ्रोस्टेड एंड। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरी मार्किंग करी है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे ये इसको देखते हैं, कहाँ पर से माइक्रोस्कोप में की हेल्प से हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। एंड जो भी स्लाइड होती है उसका जो आगे वाला पार्ट होता है जहाँ से हम बनाते हैं उसका बहुत ध्यान रखना है कि वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। एंड ये देखिए, विद एनेमिक ब्लड द एंगल शुड बी वाइडर एंड विद द पॉलीसाइथमिक ब्लड द एंगल शुड बी नैरोअर। तो ये ब्लड के ऊपर डिपेंड करना है कि किस तरीके से हमें रखना है। नाउ ल्यूकोसाइट शुड बी ईजिली रिकोगनाइजेबल थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द फिल्म। तो बहुत ईजिली हमें रिकोगनाइज हो सकती हैं ल्यूकोसाइट। नाउ इन अ प्योरली मेड ब्लड स्मियर ल्यूकोसाइट में बी अन ईवनली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मोनोसाइट्स एंड अदर लार्ज ल्यूकोसाइट्स बींग पुश टू द एंड एंड द स्लाइड्स ऑफ द स्प्रेड। एन इरेग्यूलर स्टीकी फिल्म विल अकर इफ द स्लाइड इज ग्रीसी। कुछ फॉल्स हैं ये, डस्ट ऑन द सर्फेस विल कॉज पैची स्पॉट्स। अगर डस्ट हुई तो स्पॉट्स बहुत पैची और होल्स दिखेंगे हमें। फिल्म दैट इज़ मेड विद इनकन्सिस्टेंट प्रेशर इरेगुलरली एज्ड स्प्रेडर। प्रेशर अगर सही नहीं रहा हमारी स्प्रेडर का तो वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी हमारी स्मेयर, जो कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है। एंड इफ द फिक्सेटिव और द एप्लीकेटर कंटेन वाटर, वाटर आर्टिफैक्ट्स अपीयर। अगर उसमें बिल्कुल भी पानी रहा तो कुछ ना कुछ फॉल्ट्स दिखेंगे, और वो किस तरीके से होंगे देखिए। स्टोरेज रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स, ये कुछ फॉल्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। एंटीकोगुलेंट इंड्यूस्ड आर्टिफैक्ट्स, ड्यू टू एंटीकोगुलेंट्स अगर कुछ वाटर का चीज़ रह गई तो इस तरीके से हमारी स्मेयर बनेगी जो इस तरह दिखेगी। ये था हमारा पेरिफेरल ब्लड स्मेयर या फिर PBF। उसको मैंने बहुत कम टाइम में आपको बताने की कोशिश करी कि ये चीज़ें हमें PBF बनाने में चाहिए होती हैं, ये इक्विपमेंट, ये इसका प्रोसीजर रहता है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी आगे की जो प्रोसेसिंग होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। सो थैंक यू।